हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे आइसोमेरेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने दो टाइप की आइसोमेरेज जो है अभी कंप्लीट कर ली। एक अपन पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, और दूसरी हम पढ़ चुके हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरेज, और आज अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ व्यू फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन से। एक बार पहले भी इसको अपन देख चुके हैं, दोबारा से एक बार देखिएगा। सबसे पहला अपने पास था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका एक और नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या एटम का कॉन्स्टिट्यूशन या फंक्शनल ग्रुप का या किसी भी एटम का जो कंपाउंड है उसका आईपीसी नेम फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से या पोजीशन चेंज होने की वजह से चेंज हुआ था, उन सबको अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंसिडर किया था, और सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपन पढ़ चुके। उसके बाद अपन ने बोला कि एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, जिस एटम पर जो ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एज इट इज वही रहेगा, सिर्फ उनका स्टीरियो में अरेंजमेंट अलग अलग करते हैं। इस आधार पर अपन ने बोला स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो जो आपका आइसोमेरिज्म है ये दो टाइप का होता है। अगर फ्री रोटेशन है अपन ने बोला कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। एक था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जिसके अंदर कन्फर्मर्स जिसके जितने बनते हैं जितने टाइप्स थे सारे अपन देख चुके हैं, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं, स्टीरियो का एक पार्ट कन्फर्मेशनल अपन पढ़ चुके हैं, रिमेनिंग लास्ट पार्ट कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में एटम्स का 3D के अंदर कॉन्फिगरेशन चेंज होता है। ये दो टाइप का था ज्योमेट्रिकल, जो कि अपने आज का टॉपिक है, टुडेज लेक्चर है, और लास्ट अपने पास बचता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो आज अपन पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्फिगरेशनल का पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, आपको बोले कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चरल की बात कर रहा है, कन्फर्मेशनल की बात कर रहा है तो वो स्टीरियो है, कॉन्फिगरेशनल के अंदर जीआई और ऑप्टिकल दोनों आता है। तो हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से टाइप्स की होती है, किस तरीके से अपन एग्जामिन करते हैं। चलिए बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एक टाइप की कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। डेफिनेशन को अगर मैं बोलूं तो यूं ही बोलूंगा कि एटम्स की स्ट्रक्चर, कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन सारी सेम है, सिर्फ एटम्स का कॉन्फिगरेशन चेंज है, और एटम्स का कॉन्फिगरेशन चेंज करके अपन 3D में क्या क्या अरेंजमेंट बना सकते हैं उसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर, तो देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक अपन ने जो आइसोमेरिज्म पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आइसोमेरिज्म होता है, चाहे आप किसी भी टॉपिक में देखें, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं, स्टीरियो यानी स्टीरियो में भी पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर से पूछे जाते हैं। सो टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सबसे पहले अपन ये बात करें कि कोई भी एक कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इसके लिए सबसे मेन महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होती है वो सब बात आपको बताएंगे, बट उससे भी इंपॉर्टेंट जिस पर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि कौन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो इसके लिए आप सुनिएगा, कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पर्टिकुलरली अपन बात कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन आपको बहुत क्लियर क्लियर कंडीशन बता रहा हूं, तीनों कंडीशन शो करता है, तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर, पहली कंडीशन, वन बाय वन सारी कंडीशन को लेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है। जब भी किसी कंपाउंड को आप 3D में देख के बताओगे ये जीआई रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, है ना। बट पहला मुद्दा मेरे सामने ये है कि कौन कंपाउंड जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा, इसकी क्लियर क्लियर बात करते हैं। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, मैंने आपको कंफर्मेशन में भी बताया था कि अगर फ्री रोटेशन है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग आराम से स्पीसी
स्पीसीज घूम सकते हैं 3D में, रूम टेम्परेचर पर ही आराम से रोटेट कर पाते हैं, बॉन्ड को तोड़ के रोटेट करने की जरूरत नहीं होती, फ्री रोटेशन होता है तो अपने पास कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म होती है, और फ्री रोटेशन नहीं है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आराम से डबल बॉन्ड या जो भी मैं कंडीशन बताऊंगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो आप उसको बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे कैसे होता है मैं भी डिटेल में आपको बताता हूं, बट पहली कंडीशन यह है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। जिस भी कंपाउंड के अंदर बात करें, कंडीशन पहली और सुपर इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। और जहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी उस जगह को हम बोलेंगे कि भाई इसके अलॉन्ग GI बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनने की संभावना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि आगे वाली कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। मैंने प्लस लिखा है, 1+2 इसका मतलब क्या है, फर्स्ट भी होनी चाहिए, सेकंड भी होनी चाहिए, और मैं तीसरी बोलता हूं +3, तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, और जिस जगह पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है उसको अपन बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, अगर सारी कंडीशंस फॉलो होगी तो अभी बताते हैं। सेकंड जो कंडीशन है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जिस भी जगह पर आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करते हैं, जिस भी जगह पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करते हैं, उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो टर्मिनल एंड्स हैं, अभी एग्जांपल से सारी बात क्लियर होगी। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसको मैं RR बोल रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो टर्मिनल एंड है, मतलब जहां पर आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड होता है, उसके ऊपर आपको दो स्पीसीज लगे हुए होने चाहिए और वो आपस में डिफर होने चाहिए, दो स्पीसीज होने चाहिए और वो दोनों आपस में डिफर होने चाहिए। यहां स्पीसीज से क्या मतलब है, यहां स्पीसीज से मतलब है कि कोई भी एटम हो वो अलग अलग होने चाहिए, एक पे क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरा फ्लोरीन लगा हुआ है, एटम डिफरेंट हो, या लॉन पेयर हो, लॉन पेयर को भी हमने एक एज ए स्पीसीज कंसीडर करेंगे, या फिर आइसोटोप हो, आइसोटोप्स हो, उसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, डिफरेंट स्पीसीज कंसीडर करेंगे। जैसे एक लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक लगा हुआ है ड्यूटेरियम, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों स्पीसीज अलग अलग है, क्लियर। तो या तो एटम अलग अलग होने चाहिए, या एक एटम और एक लॉन पेयर हो तो भी अलग अलग स्पीसीज होगी, लॉन पेयर अलग स्पीसीज है, एटम अलग स्पीसीज है, या एक ही एटॉमिक नंबर के दो अलग अलग आइसोटॉप, आइसोटॉप अलग अलग है तो भी उसको अपन दो डिफरेंट स्पीसीज कहेंगे। यानी जो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां एंड होता है, दोनों साइड एंड होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड होगा, एक राइट हैंड साइड एंड होगा, जहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड होता है दोनों साइड पर, ऐसा नहीं कि एक साइड पर दो अलग ग्रुप आ गए दूसरे पर नहीं आए, दोनों साइड पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अभी एग्जांपल से सीन क्लियर होगा, पहले कंडीशन बता दूं। और बच्चों आपकी जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है और आखिरी कंडीशन ये है कि जो रेस्ट, जो मैंने बोला कि जो टर्मिनल एंड्स है, एक एंड पर दो ग्रुप लगे होंगे, दूसरे एंड पर दो ग्रुप लगे होंगे, तो टोटल दो ये और दो ये, चार ग्रुप हो गए। तो टर्मिनल एंड्स के साइड में जो लगे हुए टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, मतलब ये ऑल, मैं बोलूं ऑल फोर टर्मिनल ग्रुप्स, टर्मिनल ग्रुप्स में क्या आगे, एटम्स आगे, लॉन पेयर आगे और आइसोटॉप्स आगे, जो भी, ऑल फोर टर्मिनल ग्रुप्स, दो इस साइड के और दो इस साइड के, मस्ट बी इन सेम प्लेन। बस बच्चों ये तीन कंडीशन चेक करनी है, चौथी कोई कंडीशन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए चेक नहीं करनी है। फिर से रिकॉल कर देता हूं बच्चों, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन क्या मैंने बोला, पहली कंडीशन बच्चों होनी चाहिए आपके पास क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन RR। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस किस वजह से होता है मैं अभी सेपरेटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। टोटल 8 केसेस होते हैं अपने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको 1 by 1 आपको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, बट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब आराम से दो स्पीसीज रूम टेम्परेचर पर बिना बॉन्ड तोड़े रोटेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जिस जगह से लेके जिस जगह तक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो लास्ट एंड्स हैं, एक इस तरफ वाला एंड होगा, एक इस तरफ वाला एंड होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड होगा, एक राइट हैंड साइड वाला एंड होगा, दोनों एंड पर दो दो ग्रुप लगे होने चाहिए, और ये दोनों ग्रुप आपस में, और ये दोनों ग्रुप आपस में,
ऐसा नहीं कि ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इस एक एंड पे लास्ट में दो लगे, यहां जो दोनों ग्रुप लगे हुए वो डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे इस तरफ जो दोनों ग्रुप लगे हुए ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी बच्चों कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो भी टर्मिनल एंड्स है वहां दो स्पीसीज लगी होगी, दो स्पीसीज कोई दो एटम हो सकते हैं, एक लोन पेयर एक एटम हो सकता है, दोनों आइसोटॉप हो सकते हैं, वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। और बच्चों तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है, तीसरी मैंने कंडीशन आपको बोली, ये थर्ड कंडीशन आपको बोला, तीसरी थी, तीन नंबर बीच में रह गया, मैं आपको बोलूं ये थर्ड जो कंडीशन है बच्चों, ऑल फोर जो मैंने बोला दो स्टर्म वाले, दो स्टर्म वाले, दो ये और दो इस तरफ ग्रुप वाले, ऑल फोर टर्मिनल ग्रुप्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ये तीन कंडीशन जो फॉलो करेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब बच्चों ये तो बहुत आराम से सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन बहुत आराम से आप चेक कर पाओगे। सबसे पहले मुझे जो पहली कंडीशन है वो ढंग से समझ में आनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब कब होता है, ठीक है, और हर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के केस के अंदर मैं सेकंड और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हुए चलूंगा। हालांकि ये बात कंफर्म समझ लीजिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है और वो कंडीशन वन प्लस टू फॉलो कर रहा है, थर्ड नहीं कर रहा, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। वन प्लस टू प्लस थ्री में से थर्ड शो कर रहा है, वन सेकंड नहीं कर रहा, फर्स्ट थर्ड कर रहा है, मैंने बोला इकट्ठा प्लस बोला है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल थ्री कंडीशंस मस्ट है, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर कोई फॉलो करता है तो ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है बच्चों। चलिए अपन वन बाय वन अब बात करते हैं फर्स्ट केस के एक बात सिचुएशन की। मैंने बोला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कब कब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, तो मैं बोलूंगा कि मैं बता रहा हूं किस किस सिचुएशन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और क्यों। चलिए बच्चों बात करते हैं, तो फिर से मैं मेरी फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा डिटेल में बात करता हूं बच्चों। मैंने आपको बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, इसको शॉर्ट में आर आर बोलते हैं, आर आर होगा तो ही बात आर पार होगी, आर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर ड्यू टू किस किस वजह से होता है इसके अंदर अपन बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला और सबसे वेल नॉन जो एग्जांपल होता है वो होता है बच्चों एल्कीन्स। एल्कीन्स जो होता है जिसके अंदर एक पाई बॉन्ड पाया जाता है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्यों होता है आपको मैंने बताया था, कंफर्मेशन में दोबारा से सुन लीजिएगा, जब एक एल्कीन बनती है आप यूं समझ लीजिए कोई भी एक एल्कीन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है, और यहां दो फ्री वैलेंसीज है, यहां दोनों फ्री वैलेंसीज है, अब इसके ऊपर कोई एक पाई बॉन्ड बनने के लिए ये पी ऑर्बिटल है, मान लीजिए ये पी वाई है और ये पी वाई है, ठीक है, और ये आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे बॉन्डिंग में, इसको बहुत ढंग से अपन समझते हैं, ये लेटरल ओवरलैपिंग करी और लेटरल ओवरलैपिंग करने के बाद बच्चों मेरे पास जो सीन आया वो ऐसा आया कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन दोनों फ्री वैलेंसीज, यहां पर ये डबल बॉन्ड आया, यही सीन होगा। अब बच्चों देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड इस तरीके से था, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, अब सिंगल बॉन्ड में तो क्या है सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग है तो एक बॉन्ड के अलोंग आराम से रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल घूम सकते हैं, बट सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि बच्चों कभी भी पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, पहला सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना, पहले आपस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड ही पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, अब मैं इसके पैरेलल यूं पाई बॉन्ड बना देता हूं, क्लियर, यहां यूं समझिएगा इसको आप, थोड़ा समझना दिमाग में कि ये पीएक्स पीएक्स में सिग्मा बॉन्ड बना रखा है,
ठीक है। और अब ये पी वाई है और ये पी वाई है और इन्होंने आपस में इस तरीके से पाई बॉन्ड बना रखा है। अब मैं इस मॉलिक्यूल को अगर फ्रीली रोटेट करता हूं बच्चों, तो फ्रीली रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट करूं। अगर ऐसे रोटेट करूंगा तो ये जो मेरे पास एक्सियल लेटरल ओवरलैपिंग हो रखी है पाई बॉन्ड की, इस तरीके से मैं इसको अगर फ्रीली रोटेट करता हूं सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड की एक सर्टेन बॉन्ड एनर्जी होती है और इतनी एनर्जी कमरे के ताप पर ऑटोमेटिक 298 केल्विन टेम्परेचर से गैसियस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, और जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा बच्चों, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये जो है, मैं आपको बोलूं कि इस मॉलिक्यूल का ये जो रोटेशन है, ये फ्री जो रोटेशन है, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बच्चों अपन हमेशा बोलते हैं कि जब भी एल्कीन है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ में एक जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ने इसको क्या किया, इस तरीके से जो लेटरल ओवरलैपिंग है, इसने इसको आराम से, अगर ये ओनली सिग्मा बॉन्ड होता तो ये आराम से रोटेट हो जाता, बट सिग्मा बॉन्ड के साथ जैसे ही पाई बॉन्ड बना, तो पाई बॉन्ड ने क्या किया, इसकी जो फ्री रोटेशन है कमरे के ताप पर, कंफर्मेशन आइसोमर्स में हमने पढ़ा था कि कंफर्मेशन आइसोमर्स कमरे के ताप पर एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन आइसोमर्स में एक से दूसरे में जाने में जो एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए रूम टेम्परेचर से मिलने वाली तापीय थर्मल एनर्जी सफिशिएंट होती है। बट बच्चों पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी थर्मल एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर, हाँ ऐसा मैं कह सकता हूं, हाई टेम्परेचर पर अगर मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, तब तो फ्री रोटेशन हो जाएगा। बट मैं बात करूं कि रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि जब नहीं बोला जाएगा तो हम नॉर्मल कंडीशन एनटीपी लेंगे, रूम टेम्परेचर लेंगे, एग्जामिनर ने आपको बोला कोई एक कंपाउंड है और एग्जामिनर ने वह बता दिया कि पाई बॉन्ड है, तो रूम टेम्परेचर ही मानेंगे, और रूम टेम्परेचर पर पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी थर्मल एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलती। सीधा सीधा बोलूं तो मेरे पास कोई भी एल्कीन है तो एल्कीन का जो ये बच्चों पाई बॉन्ड होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रोवाइड करता है। अगर कार्बन sp3 वाला है, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंपल एल्केन्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सिंपल एल्केन बोल रहा हूं, साइक्लो नहीं बोल रहा हूं बच्चों, है ना, सिंपल एल्केन में, एलिफेटिक एल्केन के अंदर जो आपका है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता, कंफर्मेशन होता है, जो अपन ने पीछे पढ़ा, क्लियर। तो पहली कंडीशन ये कि जब भी आपको एक एल्कीन दिख जाए, एक एल्कीन दिख जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक नॉर्मल टाइप की एल्कीन आपको दिख जाए, तो आप कह दोगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, ठीक है। अब देखो बच्चों, ओनली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से तो नहीं होगा कि वो जीआई शो करेगा, साथ में दो कंडीशन और होनी चाहिए, कैसे समझना आप। अब देखिए बच्चों, जैसे मेरे पास कोई ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने ऐसा बोला, चलिए दूसरा ले लेते हैं सीन, मैंने बोला बच्चों ये मेरे पास कोई एक एल्कीन है और इस एल्कीन पर इस तरीके से दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं और यहां मेरे पास एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या कि जब ओनली एक ही, हम ये बॉन्डिंग में ये चीज भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि अब पहले मैं बहुत चीज क्लियर कर दूं आपको कि ये मान लीजिए एच और एच ही है, है ना, तीसरी कंडीशन की मैं बात करता हूं। तो बच्चों ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp2 है, ठीक है, सिर्फ दो ही कार्बन है, एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब मैं बोलूं तो। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये पूरा कंपाउंड एक प्लेन में रहेगा क्योंकि sp2 और sp2 है, तो इसके अंदर बच्चों ये जो ग्रुप है, मैं अगर आपको बोलूं कि पूरा कंपाउंड xy प्लेन में है, इसका मतलब क्या, ये तो एक लीनियर पोर्शन होगा, ये वाला हिस्सा भी किसमें है, xy प्लेन में, और ये वाला हिस्सा भी किसमें है, xy प्लेन में। मेरी कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी बच्चों कि जो जिस जगह के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस जगह पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो एंड्स हैं, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, इस एंड के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं, इसको मैं नंबर 1 नाम देता हूं, इसको नंबर 2 नाम देता हूं, ये इधर वाला 3 और 4, ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में होने चाहिए। और अगर आपने एक सिंपल एल्कीन लिया है तो एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 का मतलब समतल त्रिकोण ही है ऐसा,
तो ये पूरा स्पीसीज एक ही ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है। इस कार्बन से दूसरा जुड़ गया, तो देखिए जिस प्लेन के अंदर ये बॉन्ड है उसी प्लेन में ये बॉन्ड होगा, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होती है sp2 आप जानते हो, ठीक है। जिस प्लेन में ये कार्बन है इसी प्लेन के अंदर ये तीनों बॉन्ड होंगे, है ना। तो इस कार्बन के भी जो बाकी दोनों बॉन्ड होंगे, क्योंकि देखो ये प्लेन और ये प्लेन सेम है, और मुझे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो क्या होगा, जिस प्लेन में ये वाला बॉन्ड होगा उसी प्लेन में ये वाला बॉन्ड होगा, इसी प्लेन में ये वाला बॉन्ड होगा, तो ओवरऑल पूरा कंपाउंड आपका एक प्लेन में होगा। तो जैसे ही आप एल्कीन देखते हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में ये वाली जो थर्ड कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होती है अगर सिंगल एल्कीन है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि कार्बन कार्बन ऐसा है, ये भी एल्कीन है, बट ये अलग केस से मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। मेरे पास ओनली नॉर्मल सिंगल अगर एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो आप यूं बोलोगे कि इस कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका ये जो ग्रुप है प्लेन के अंदर, थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिक फॉलो होगी। फर्स्ट होगी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा जब भी पाई बॉन्ड होगा यहां पर, और दूसरा मैंने बोला कि सेम प्लेन में होने चाहिए, तो जब भी एक सिंगल पाई बॉन्ड होगा तो हमेशा sp2 होगा, ये वाले बॉन्ड हमेशा पूरा कंपाउंड एज ए होल आपका एक प्लेन में होगा, ठीक है। तो प्लेनर की कंडीशन फुलफिल होगी। और देखिए बच्चों जो अगली कंडीशन थी, सेकंड नंबर की कंडीशन जिसको अपन ने बोला, उसमें क्या था कि जो भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां से कहां तक है, इस जगह से इस जगह के बीच में, ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला एरिया हो गया, यहां पर रोटेट नहीं कर पाते डबल बॉन्ड के अगेंस्ट, इसके जो टर्मिनल एंड्स हैं, तो एक एंड ये हो गया बच्चों, दूसरा एंड ये हो गया, इसके ऊपर दो ग्रुप लगे होने चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो एक दो डबल बॉन्ड आ गया, एक फ्री ये एक ये, और दूसरे इसके भी दो फ्री वैलेंसी, इससे जो जुड़े हुए ग्रुप है वो अलग होने चाहिए। जैसे यहां हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है, ये आपस में अलग अलग हो गए, और यहां पर मान लीजिए फ्लोरीन है और या क्लोरीन है, ये अलग अलग हो गए। इनका आपस में नहीं कह रहा मैं, ये ग्रुप एक टर्मिनल एंड पर जो जुड़े हुए दोनों ग्रुप है बच्चों, इसकी बात करूं, ये आपस में क्या होने चाहिए, डिफर, जैसे एच और फ्लोरीन डिफर है, और ये आपस में क्या होने चाहिए, डिफर। तो ये GI शो करेगा, तीनों कंडीशन पूरी। देखो पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। दूसरी कंडीशन चारों ग्रुप सेम प्लेन में होने चाहिए, तो जब भी मैंने बोला कि एक सिंगल पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड में, तो ये यू मानो कि ऑटोमेटिक ऐसा है स्ट्रक्चर से भाई, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा आ जाता है। बहुत सारे आगे कंपाउंड अपन पढ़ेंगे जिसमें अपने को चेक करना पड़ेगा कि इधर ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं लेकिन प्लेन सेम है कि नहीं है, ये कंडीशन भी मैटर करेगी, हर जगह अलग अलग कंडीशन से चेक होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सेम प्लेन में है, अगर पाई बॉन्ड है, सिंगल पाई बॉन्ड है, तो मैं बोल दूंगा ऐसा कि इससे जुड़े हुए ग्रुप पूरा कंपाउंड एक सेम प्लेन के अंदर है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए ग्रुप भी अलग अलग है, इसका मतलब ये कंपाउंड GI शो करेगा। अब मैंने थोड़ा सा कंपाउंड बदल दिया बच्चों, थोड़ा सा कंपाउंड मैंने बदल दिया, देखिए ये ऐसा कर दिया और मैंने इसको ऐसा कर दिया और यहां ऐसा कर दिया, ये डबल बॉन्ड है। अब इसके अंदर आप अगर देखें तो यहां आप चेक कीजिएगा बच्चों, देखो क्या, सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड दिख गया, तो RR है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, इसके ऊपर दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए, आपने सिंपल बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया, सिंपल बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया, है ना। तो देखो यहां पर सिंपल लाइन खींच के रख दी, मतलब यहां पर क्या है, एक CH3 ग्रुप है और कार्बन की वैलेंसी चार है, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन तो लगा हो गई, क्लियर। और इधर क्या दिया हुआ है, सिर्फ बॉन्ड लाइन छोड़ दिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, CH3 और यहां पर CH3। दूसरी कंडीशन क्या, सारे एक प्लेन में होने चाहिए, और मैंने बोला कि जब भी एल्कीन है एक सिंगल बॉन्ड वाली, तो पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में ही, जो पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, तो ये सब एक प्लेन में आ गए, दूसरी कंडीशन पूरी। लेकिन तीसरी कंडीशन बच्चों, तीसरी कंडीशन क्या, कि जहां पर जो टर्मिनल एंड्स हैं, ये दोनों टर्मिनल एंड्स हो गए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के, ठीक है, यहां पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग होने चाहिए, इस जगह तो अलग है लेकिन न केवल एक जगह अलग होनी चाहिए, दोनों एंड्स पर, इस एंड पर तो मामला पुट हो गया, दूसरा एंड ये था, यहां पर दोनों CH3 CH3 है, इसका मतलब ये कंपाउंड GI शो नहीं करेगा, क्लियर। और देखिए मैंने एक और कंपाउंड बना दिया, इसको मैंने बोला देखिएगा इस तरीके से नोटेशन शो किया और इस तरीके से,
इस तरीके से शो किया और यहां पर मैंने एक एच लगा दिया और एक डी लगा दिया। क्लियर? तो देखिएगा ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर देखिएगा इसको, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर एक CH3 एंड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर एक हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है। समझिएगा बच्चों, इसके अंदर मैं अगर बात करूं बहुत आसानी से, देखिए रट्टा मारने की जरूरत ना करें, आराम से समझिए। यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल मान के चलिए आप, पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है। इसके अलावा तो कौन कौन से बॉन्ड, ये इससे जुड़े हुए जो सारे बॉन्ड है sp2 वाले, ये एक प्लेन में है, इसकी मैं बात नहीं करता, बट मेरे को इस ग्रुप से लेना देना है, इस बॉन्ड से, ये एक प्लेन में, ये सेम प्लेन में, और ये अब इससे जुड़े हुए दोनों स्पीसीज, एक हाइड्रोजन है एक ड्यूटेरियम। आप कहोगे सर दोनों सेम के तो आइसोटोप है, मैंने क्या कहा था, इससे जुड़े हुए जो दोनों स्पीसीज है भले ही दो एटम अलग अलग हो, जैसे यहां एथिल ग्रुप है, यहां पर मेथिल ग्रुप है, यहां पर आपका एथिल ग्रुप है, इधर तो अलग अलग होगी, इधर क्या एक हाइड्रोजन है एक ड्यूटेरियम है, एक हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है, आइसोटोप भी है तो मैं इनको अलग अलग मानूंगा, इधर दोनों अलग अलग, इसका मतलब क्या है, ये जीआई सो करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों ग्रुप अलग लगे हुए हैं, और चाहे ग्रुप लॉन पेयर वाइज अलग हो, और चाहे आपका ग्रुप लॉन पेयर वाइज अलग हो, चाहे आपका आइसोटॉप वाइज अलग हो, चाहे एक लॉन पेयर वाली स्थिति हो, उन सारी कंडीशन में यही चीज आपको चेक करनी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कई सारे अपन डिटेल में एग्जाम्पल करेंगे, पहले कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखिएगा अपने पास ये CH2 कार्बन डबल बॉन्ड और यहां मैंने बोला क्लोरीन और यहां पर मैंने बोला फ्लोरीन। तो देखिएगा मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सेंटर है वो ये है, इसका एक एंड ये इस पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग है और दूसरा एंड ये यहां पर एक लगा हुआ मेरे पास CH3 ग्रुप और एक नहीं लिखा, इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन है, इधर वाले दोनों भी अलग और एक सिंगल पाई बॉन्ड है, इसका मतलब सेम प्लेन में मॉलिक्यूल होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाई बॉन्ड के अलोंग होता ही है, तीसरी कंडीशन दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, इसका मतलब ये आपका जीआई शो करेगा। क्लियर? और देखिए मान लीजिए इस तरीके से है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां पर मैंने लगाया मेथिल और यहां एथिल ग्रुप। क्लियर? और यहां पर मैंने कोई रिंग ले ली, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है, तो देखिए सबसे पहली बात इसके अलोंग मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ध्यान से समझना बात को, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एंड हो गए, ये एक एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया, जहां पाई बॉन्ड खत्म होगा वही एंड है। इस एंड से जुड़े हुए दोनों टर्मिनल ग्रुप, यहां पर क्या है आपका मिथाइल और यहां पर क्या इथाइल, इस तरफ तो कंडीशन फुलफिल है, दोनों ग्रुप अलग है, यहां पर देखें तो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी देखिए, आप क्या करेंगे, अगर आपको रिंग दे रखी है कार्बन से अटैच करके, तो आप क्या करिएगा, इस रिंग के अलोंग जाइएगा, दोनों तरफ जाने से सेम ग्रुप आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों डिफरेंट नहीं है। अब इधर से चले तो सिंपल एक कार्बन है और तीसरा कार्बन आ गया, इधर से चले तो एक कार्बन है एक कार्बन तीसरा कार्बन सेम, तो इस एंड तक मैं जाऊं, मान लीजिए इधर से जाऊं चाहे और चाहे इधर से जाऊं रिंग में, ये सेम है, तो मतलब मैं एक तरीके से मानूंगा कि ये ग्रुप और ये ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सेम है रिंग के अंदर, तो इसका मतलब सेम ग्रुप हो गए तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अब मैं चेंज कर दूं हल्का सा इस रिंग में, एक साइड में कुछ भी चेंज आ जाए, जैसे देखिए अगला एग्जांपल, सारी चीजें एग्जांपल से क्लियर करेंगे बच्चों अपन, इस तरीके से है, ये है आपका और ये ऐसे है। क्लियर? और इसके ऊपर आपकी ये रिंग है। क्लियर बच्चों? और यहां पर ऐसे है, तो देखिएगा ये कार्बन कार्बन है और ये मेरे दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के सेंटर हो गए,
इसमें इस तरफ लगा हुआ मेथिल ग्रुप और यहां लगा हुआ आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, ये कार्बन ओके है। दूसरा देखिएगा, यहां रिंग आ गई तो मैंने कहा चलो इस तरफ आया कार्बन कार्बन कार्बन, यहां देखा ये कार्बन, लेकिन ये साइड ब्रांच आ गई एथिल, तो इसका मतलब देखो इसी कार्बन पे डिफरेंस आ गया, सिंपल कार्बन है और यह सब्स्टिट्यूटेड एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ कार्बन है। इसका मतलब इस रिंग से आप इधर चलो और इधर चलो, आपको दोनों तरफ ग्रुप क्या मिल गए, अलग अलग मिल गए, अलग अलग मिल गए। तो इस तरफ भी दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इस तरफ भी दोनों डिफरेंट ग्रुप है, आप बोलोगे ये जीआई शो करेगा, ठीक है। एनी हाउ, आप अगर आपने एक sp2 कार्बन से रिंग अटैच कर रखी है तो आप रिंग में आराम से चलते रहिए, अगर एक एंड से लेके बीच तक आप जाते हैं दोनों साइड से कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इसका मतलब दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। और डिफरेंस आ गया, चाहे फंक्शनल ग्रुप के कारण आ जाए, चाहे साइड ब्रांच के कारण आ जाए, चाहे डबल बॉन्ड के कारण आ जाए, किसी भी वजह से अगर डिफरेंस आ जाता है एक साइड में, तो इसका मतलब यह कि दोनों साइड जुड़े हुए ग्रुप अलग है और आपका जो एल्कीन है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों सो करेगा। देखिए बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने लिया और यहां पर ये मैंने ये लिया और ऐसे कर दिया ताकि इधर से डिफरेंट हो जाए, या चलो हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये मैंने ऐसे लिया, ये ऐसे लिया, और देखिए बच्चों इधर मैंने ऐसे लिया, मैंने ऐसे ले लिए। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या सीन है, ये मैंने एक एल्कीन लिया, इसके ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला जोन है, इतना जोन मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एक एंड है, ये दूसरा एंड है, इस सिंगल एंड के ऊपर दो कार्बन जुड़े, दो ग्रुप जुड़े में, ये रिंग की फॉर्म में जुड़े, मैं चलना स्टार्ट करता हूं, यहां चला एक सिंगल कार्बन सैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड कार्बन, यहां से आप चले तो ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन, इस जगह पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब इस साइड से जाते हैं तो अलग ग्रुप आता डबल बॉन्ड वाला, और इधर से जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या बच्चों, दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, यहां भी देखिए इधर से जा रहे हैं ये ग्रुप अलग है जबकि इधर डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर दूसरे नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से जाए तो दूसरे नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये जीआई क्या होगा बच्चों, सो करेगा, ये जीआई सो करेगा, इनका आपस में मुझे इस ग्रुप का और इस ग्रुप का आपस में कोई लड़ना नहीं है, जीआई सो करेगा कि नहीं करेगा, इसके अंदर एक एंड से जुड़े हुए दोनों ग्रुप और इधर वाले एंड से जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में, ये आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इतने सारे एग्जाम्पल बच्चों अपन देखे, फिर देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए बच्चों ये एग्जांपल है, अपने को चेक करना देखना, ये मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के अंदर आप देखें तो देखिएगा इस स्टीरियोजेनिक सेंटर का यहां पर ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सेंटर है, इसका एक एंड ये हो गया, इसके एक एंड पर ये पूरा झमेला लगा हुआ है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो इस कार्बन पर देखो एक ये बॉन्ड रहा, दो डबल बॉन्ड वाले रहे, इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस वाले एंड पर एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, मुझे इस एंड पे जाकर नहीं देखना है, जहां से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है sp2 वाला कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप जो उसकी बात कर रहा हूं, ये अलग ग्रुप है और ये हाइड्रोजन ग्रुप अलग, यहां पर बात करें बच्चों ये जीआई से यहां से तो ओके, इधर बात करें मैं इस एंड से चला तो लास्ट में यहां पर आया,
अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, इस एंड से चला लास्ट में यहां पर है। अब ये तो दोनों से समान दूरी पर है, चाहे आप इधर से आके देखें तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस जगह से पहुंचे तो भी इस जगह पहुंचेंगे, और यहां दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों से सेम दूरी पर ही दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। ठीक है, बीच में कहीं डिफरेंट होता तो यहां तक का पोर्शन आप देखें और यहां तक का पोर्शन देखें सेम है, लास्ट एंड पे जाके अलग हुआ, इसका मतलब ये दोनों के लिए सेम चीज है, अलग नहीं है। अगर यही मैं इस जगह लगा देता, यही अगर मैं ग्रुप जो है मैं यहां लगा देता कोई भी ग्रुप, तो डेफिनेटली इधर से पोर्शन आपका चलते तो अलग आ जाता, इधर से अलग आ जाता, आपका जीआई शो कर देता। बट आपको जो दिया गया ये वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, इस वाले एंड से तो शो कर रहा था, इस वाले एंड से शो नहीं करेगा। आई होप कि इतने सारे एग्जांपल सिर्फ मैंने एल्कीन के लिए बताए। अब आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि एल्कीन से जुड़े हुए दोनों साइड, दोनों sp2 वाले कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। प्लेन में मैंने बोला होगा ही, तो ऐसा एल्कीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में शो करेगा। और देखिएगा, अभी पहला केस मैंने आपको बताया बच्चों, अगला केस देखिएगा कि किस किस कंडीशन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं दूसरा केस आरआर का, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सेकंड केस, किस किस केस में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। सेकंड केस जो अपने को ध्यान में रखना होता है वो होता है ऑक्सीम, ऑक्सीम्स आप देखते समझ जाओगे ऑक्सीम्स में क्यों है। पहले ऑक्सीम्स क्या होता है ये बहुत इजीली मैं आप बता रहा हूं आप, ताकि समझ जाए ऑक्सीम्स क्या होता है। देखिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लें और इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, आप हाइड्रोक्सिल एमीन, ये आपका एमीन है और यहां पर आपने OH2 लगा दिया NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और ये NH2 ग्रुप एमीन, तो इसको अपन ने बोला हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन जिसपे ओ होता है, ठीक है कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें आता है एल्डिहाइड और कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ लगा होता है, इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं और बच्चों यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये ऑक्सीजन और दो ये हाइड्रोजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और कार्बन से डबल बॉन्ड से NH2 जुड़ जाता है, यानी ये एज इट इज कार्बन और यहां ऑक्सीजन निकल के नाइट्रोजन जुड़ गया और यहां पर आपका OH एज इट इज लगा हुआ है। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं ऑक्सीम्स, क्या बोलते हैं बच्चों ऑक्सीम, क्लियर, ये आपका ऑक्सीन है, क्लियर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीन जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए वही शर्त है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस वजह से होगा, सेम वही बात, ये कार्बन कार्बन क्या है बच्चों, ये कार्बन कार्बन क्या है पाई बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड के कारण क्या होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और एक ही पाई बॉन्ड है तो ये पूरा ग्रुप एक प्लेन में होगा, क्योंकि ये भी sp2 कार्बन है और ये आपका एक सिग्मा दो सिग्मा एक यहां पर लॉन पेयर है, तो ये भी आपका क्या है sp2 नाइट्रोजन है, यानी दो sp2 कार्बन लगातार आपस में जुड़े हुए, तो पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में होगा। कभी भी देख लीजिएगा दो sp2 कार्बन है या कार्बन हो या कोई भी और एटम हो, दो sp2 है तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका प्लेन में होगा, क्लियर। कार्बन के लिए बात करें तो कार्बन के अंदर टोटल प्लेनरी स्ट्रक्चर होती है sp2 की, प्लेनर ट्राइगोनल। अब देखो ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों ग्रुप दो दो ग्रुप लगे होने चाहिए, इससे दो ग्रुप लगे हुए क्योंकि मैंने कहा था लॉन पेयर को भी एक ग्रुप मानते हैं और इधर भी दो ग्रुप लगे हुए। अब लेकिन यहां पर दोनों ग्रुप क्या है, सिर्फ बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर क्या है CH3 और यहां क्या है CH3, तो ये दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से ये GI शो नहीं करेगा। तो ऑक्सीम का मतलब क्या हुआ, फिर से देखो मैं कोई भी ऑक्सीम बनाऊं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर फ्री वैलेंसी है और ये मैंने ऐसे कर दिया और यहां पर मैंने लॉन पेयर तो होता ही है और OH, तो ये जीआई शो करेगा क्योंकि देखिए इस नाइट्रोजन पे तो कोई लड़ाई नहीं ऑक्सीम में, क्योंकि ऑक्सीम बोलते ही ऑक्सीम का मतलब ये नाइट्रोजन है, तो ये ऑटोमेटिक कंफर्म है कि यहां एक लॉन पेयर होगा और ऑक्सीम है तो यहां OH भी लगा होगा, कंफर्म है। तो जैसे ही आपने ऑक्सीन बोला तो नाइट्रोजन तो कंफर्म अपने दोनों ग्रुप डिफरेंट लगता है, एक लॉन पेयर रखता है एक OH रखता है,
इस पे आपको चेक करने की भी इवन दैट जरूरत नहीं। लेकिन इससे जो दूसरा आपका सेंटर है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कार्बन, इससे जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट का मतलब ये हुआ कि भाई यहां पर कौन है कार्बन और यहां कार्बन कार्बन, यानी एक तरफ मेथिल ग्रुप है एक तरफ एथिल ग्रुप है, दोनों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए, इसका मतलब ये जीआई सूख देगा। अगेन वही बात यहां पर भी लागू होती है कि जो आपका हर जगह लागू होगी, हर जीआई में बोला मैंने आपको, जनरल कंडीशन बताई थी कि जो भी आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एंड है, इस एंड पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों आपस में डिफरेंट और ये दोनों आपस में डिफरेंट बच्चों होने चाहिए। ऐसा अगर होगा और मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो आपका मतलब ये जो एंड है ये वाले आपस में एक प्लेन में होने चाहिए चारों, बीच वाले एरिया से मुझे कोई लेना देना नहीं, इधर के दो एंड टर्मिनल ग्रुप, इधर के दो टर्मिनल ग्रुप एक प्लेन में है, ये दोनों आपस में अलग, ये दोनों आपस में अलग है, और जहां पर ये जुड़े में बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जीआई शो करेगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा। अब जैसे कई बार आपको कार्बोनिल कंपाउंड से जोड़ के बोल दिया जाए, आपको बोला कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर जो ऑक्सीन बनता है वो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, आपको क्या बोला एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई, तो यहां जो ऑक्सीम बनेगा वो ऑक्सीम जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो अपन चेक कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ एक एच और एक CH3 ग्रुप, ये एसिटाल्डिहाइड है, और बच्चों इसकी रिएक्शन करा दी आपसे हाइड्रोक्सिल एमीन, आपको मैंने बोला हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएं तो तरीका क्या रहेगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए ऑक्सीम बन जाएगा, ऑक्सीम बनाया बच्चों तो क्या बना सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहां पर एक CH3 है और एक एच। अब बहुत आराम से आप बोल सकते हो बच्चों ऑक्सीम वाले पे तो कोई लफड़ा ही नहीं है, एक लॉन पेयर एक OH दोनों ग्रुप अलग है, इस कार्बन पे देखें आप तो एक क्या है मेथिल ग्रुप एसिटाल्डिहाइड के कारण और एक है हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों डिफरेंट है मतलब ये जीआई शो करेगा। तो मैं क्या बोलूं कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर जो ऑक्सीम बनता है बच्चों वो ऑक्सीम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगा, अपन चेक करके देख सकते। यही बात अगर मेरे से एसीटोन के लिए पूछता बच्चों, अगर मेरे से एसीटोन के लिए पूछता कैसीटोन, ये आपका रहा एसीटोन, कीटोन होता है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने की बोल रहा है तो अपन करा देते हैं। अपना क्या रिएक्शन कराने का मतलब क्या था बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये दो हाइड्रोजन और एक इसका ऑक्सीजन, मेरे पास ऑक्सीम बन जाएगा बच्चों, ये CH3 एज इट इज डबल बॉन्ड एन ओ एच, यहां पर लॉन पेयर होता नाइट्रोजन पे तो नाइट्रोजन की तरफ से तो बच्चों ओके है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट बच्चों मैं बात करूं इस कार्बन पे क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा पाई बॉन्ड के अलावा और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का एक एंड ये रहा दूसरा एंड ये रहा, तो इस एंड के ऊपर बच्चों क्या लगा हुआ है CH3 एसीटोन में, इधर भी क्या लगा हुआ है CH3, तो एसीटोन आपका यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऐसे कोई भी कीटोन दे दिया जाए तो आप चेक करोगे अगले का फॉर्मूला बनाओगे और आप ऑक्सीम बना के देख सकते हो, ठीक है। ऐसे बच्चों जो ऑक्सीम होता है, जैसे आपका ऑक्सीम होता है ऐसे ही देखिएगा, ऑक्सीम को मैं यूं मानूं बच्चों, मैं यूं मानूं कि ऑक्सीम जो है NH2 यहां पर कोई कुछ और ग्रुप्स लगा देते हैं, इसके सिमिलर ही कंपाउंड होते हैं उनको जरा अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। NH2Z, तो अगर यह जेड है तो इसको अपन बोलते हैं, जेड की जगह अगर OH है, मैं बोलूं ये जेड, यहां बच्चों जेड की जगह अगर मैं बोलूं कि OH है तो इसको मैंने नाम दे दिया हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, और इसकी रिएक्शन जब एल्डिहाइड से करते हैं तो बनता है ऑक्सीम, है ना। इसी तरीके से बच्चों कुछ और कंपाउंड्स होते हैं वो अपने को पैरेलल या ध्यान होना चाहिए, ये जो NH2 है यहां जेड की जगह अगर मैं दूसरा NH2 लगा दूं तो आप सब जानते हैं इससे बनता है हाइड्रोजीन,
इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। और जब ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, यहां से वाटर निकलता है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन। अभी बना के बताऊंगा ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिलेमीन, ये हाइड्रोजन। और देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर बोलूं ये मेरा NH2 ग्रुप है और यहां पर ये NH है और यहां पर मैं एक फेनिल ग्रुप लगा देता हूं, फिनाइल ग्रुप। क्लियर? तो इसको बच्चों बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन। सिंपल, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके पीएच ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और बच्चों इससे जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे कीटोन के किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से, जो हाइड्रोजन से प्रोडक्ट बनेगा, जैसे इससे बना था हाइड्रोक्सिलेमीन से ऑक्सीन, ऐसे ही इससे बनेगा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन। अभी बना के बताऊंगा, इसको बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजन। देखिए कैसे, और वो भी जीआई शो कर सकता है, देखिएगा ध्यान से। ये मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई बच्चों मैंने, ये NH2 और यहां OH होता तो हाइड्रोक्सिलेमीन, यहां पर दूसरा NH2 है, तो इसको बच्चों मैंने नाम दिया हाइड्रोजन। मैंने क्या दिया आप सब जानते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। अब बच्चों यहां से मैं अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, ये सिंपल कार्बन डबल बॉन्ड N, जो OH ग्रुप होता था बच्चों, इसकी जगह NH2 ग्रुप आ गया, ये लॉन पेयर अपनी जगह, ठीक है। तो यहां OH ग्रुप हो या NH2 ग्रुप हो, हमारे को GI से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लॉन पेयर के साथ अलग ही है, यहां लॉन पेयर या कुछ और है, तो लॉन पेयर की जगह यहां कुछ भी लगाऊं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, तो GI शो करेगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ना बच्चों, इसको बोल देंगे हाइड्रोजन, कीटोन, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप का ऑन लग गया, है ना, तो हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजन। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बोलूं ये मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड हो, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी, यही हाइड्रोजन है, एनएच, और यहां पर मैंने कोई पीएच यानी फेनिल ग्रुप लगा दिया, तो इसको बच्चों मैं नाम दूंगा फेनिल हाइड्रोजन, ये इसका सिंपल नाम है, हाइड्रोजन पर फिनाइल फेनिल ग्रुप लगा रखा, फेनिल हाइड्रोजन। और होगा क्या, रिएक्शन क्या होगी, ये दोनों H और OH2 निकल जाएगा जैसा बाकी सभी में कर रहा हूं, और मेरे पास क्या प्रोडक्ट होगा, देखिए H2O निकलने के बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड N और ये लॉन पेयर अपनी जगह, यहां ग्रुप क्या है NH और इस पर लगा हुआ PH, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है इससे भैया, ये PH लगा हुआ है तो ये ग्रुप अलग है और ये अलग है, इसका नाम हो जाएगा क्या, ये फेनिल हाइड्रोजन है तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्सीन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजन। और बच्चों ये जो फिनाइल ग्रुप है इस पर एक और कुछ सब्स्टिट्यूट अगर लगा हुआ हो, एक और ग्रुप होता, देखिएगा और ये जो अभी मैं कंपाउंड बता रहा हूं, ये आप आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, है ना, दोनों की टेस्ट के लिए भी काम में आता है। कैसे, देखिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन हाइड्रोजन एन एच टू एन, यहां पर एक एच लगा हुआ है, एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल, फर्क सिर्फ इतना सा ऊपर वाले केस से कि यहां पर टू पर और फोर पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नंबरिंग करेंगे अपन तो बच्चों इधर से करेंगे 1 2 3 4,
तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 2,4-डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल पे क्या लगा हुआ? 2 और 4 पर नाइट्रो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया बच्चों, इसका 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब बच्चों इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से करा रहे हैं, रिएक्शन सब में सेम ही हो रही है। ये इसके 2 H और इसका वाटर निकलेगा और ये कार्बन डबल बॉन्ड N जुड़ेगा और ये एज इट इज रह जाएगा। तो जो मेरे से प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे मेरे से प्रोडक्ट बना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन N, N पर लॉन पे रही और दूसरा जो है ये N तो यहां आ गया, ये N इससे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक फेनिल ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसके साथ कोई छेड़खानी अपन नहीं कर रहे। यहां पर NO2 दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, ये हाइड्रोजन था, इसे बन गया हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? सेम वही जो हाइड्रोजन है, इसकी जगह हो जाएगा हाइड्रोजन। और नाम क्या होगा देखिएगा, 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल, और फेनिल पे क्या लगा हुआ है? 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। और ये जो कंपाउंड होता है इसको शॉर्ट में DNP भी बोलते हैं, डाइनाइट्रोफेनिल। ठीक है, ये जो कंपाउंड है बच्चों एल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद जो बना है, इस कंपाउंड का येलो ऑरेंज कलर का PPT होता है, येलो ऑरेंज PPT, और इस तरह का PPT आना ये बताता है फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी कार्बोनिल कंपाउंड से कराने पर। अगर येलो ऑरेंज कलर का PPT आता है, इसका मतलब ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बना रहा है और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाता है एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, तो ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट होता है जिसके अंदर येलो ऑरेंज कलर का PPT आता है। इन सारे केस के अंदर क्या GI का शो करना सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए आपके, कोई भी कंपाउंड हो, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे आपका कोई भी, यहां पर जो जुड़े हुए दोनों ग्रुप हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। ये अगर डिफरेंट नहीं है तो आपका ये GI शो नहीं करेगा, चाहे फेनिल हाइड्रोजन हो चाहे डाइफेनिल 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहां तो ये ग्रुप डिफरेंट हो ही गया लॉन पेयर के साथ, साइड में कुछ भी लगा हुआ, हमारे को फर्क इस कार्बन से पड़ता है। तो ये आपसे मैं बोलूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है और इस कंपाउंड की रिएक्शन कराता हूं मैं DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन से DNP हाइड्रोजन से, तो 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से मैं रिएक्शन कराता हूं, तो रिएक्शन कराने पर मेरे पास एक येलो ऑरेंज कलर का PPT बनता है, क्या वो PPT GI शो करेगा? तो सिंपल सी बात है भैया, ये जो सी डबल बॉन्ड O है वहां पर क्या लगेगा आपको मैंने बताया अभी, उस कंडीशन में क्या होगा देखिएगा, ये जो कंपाउंड अपन रिएक्शन कर रहे थे, कंपाउंड आपके पास जो लिया है सी डबल बॉन्ड O, एक मेथिल ग्रुप है और एक एथिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने हाइड्रोजन, ये सिंपल हाइड्रोजन है लेकिन सिंपल हाइड्रोजन नहीं है, क्या दिक्कत है, इस पे फेनिल ग्रुप लगा रखा है, फेनिल ग्रुप और सिंपल फेनिल नहीं है, 2,4, तो 2 पर NO2 और 4 पर NO2, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये लगा रखा है, इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये बन गया साहब, तो ये सी डबल बॉन्ड एन आ जाएगा। इस नाइट्रोजन से देखिएगा रिएक्शन के बाद मेरे पास क्या बना, सी डबल बॉन्ड एन, यहां पर मेथिल और एथिल ग्रुप है तो ये कार्बन ओके, और इधर देखिए ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन दोनों चले गए, एक तो इस पे लोन पेयर है और एक ये एनएच ग्रुप है, और इस एनएच पर आपका फिनाइल लगा हुआ है जिस पर एनओ टू है, टू और फोर पर। इस पूरे ग्रुप से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिंपल बात थी, जनरल दूसरी जगह दूसरे चैप्टर में काम आती है। ये ग्रुप और लोन पेयर दोनों आपस में अलग अलग है, ये जो भी इसका जो भी नाम है ये अलग है और ये अलग है, ये तो लोन पेयर है, ये अलग और ये अलग, इधर वाले दोनों ग्रुप भी अलग। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका जीआई शो करेगा। तो चाहे ऑक्सीम हो, चाहे हाइड्रेजोन हो, कोई सा भी हाइड्रेजोन हो, चाहे ऑक्सीम हो और चाहे सिंपल एल्कीन हो, सिंपल एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, दो कंडीशन फुलफिल होगी, सिर्फ जो दोनों एंड है उन दोनों एंड के ऊपर जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए, अलग, तो वो आपका जीआई शो करेगा।